बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, लगभग 3-3.5 महीने के बाद आज बज़्म सुखन के इस प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये 3 महीने बड़ी मुश्किल थी लेकिन अल्लाह ने गुजरवा दिए। आपसे मुख्तलिफ हवालों से रमज़ान में भी मुलाकात होती रही लेकिन बज़्म सुखन का ये प्लेटफॉर्म जो था ये लगभग 3 महीने तक बिल्कुल खामोश रहा। ऑल्दो कि हम मुख्तलिफ मीडियम से आपसे रबते में रहे लेकिन इस्लाम चैनल उर्दू से हम रबते में नहीं रह सके। आज अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने इस प्रोग्राम की दोबारा इब्तिदा की और हमने कोशिश की कि आपसे दोबारा मुलाकात की जाए और आपसे मुलाकात करवाई जाए, तो अल्लाह ने हमारी बहुत तवील एक दुआ थी, बहुत पुरानी एक दुआ थी, अल्लाह ताला ने वो कबूल फ़रमाई और हमारी आज की जो महफ़िल में जो शख्सियत तशरीफ़ लाई वो यकीनी तौर पर उर्दू अदब का बहुत बड़ा सरमाया है। मैं समझता हूँ कि आज अगर उर्दू अदब मुशायरों के हवाले से कहीं किसी जगह पहचानी जाती है उर्दू अदब में कोई शख्सियत, तो वो मेरे आज के मेहमान की शख्सियत है। मैंने ख़ुद हमेशा इस बात का इजहार किया है कि 1990 से और उसके बाद से मुख्तलिफ तकारीब जो हमने और मेरी नस्ल के लोगों ने देखी, वो वीडियो के ज़रिए जो दुबई के मुशायरे मुख्तलिफ मुशायरे हम तक पहुँचे, उनमें एक शख्सियत बहुत नुमाया थी और वो थी डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब की शख्सियत, जो आज हमारे मेहमान भी हैं। तो मैं पहले तो इनको अपने प्रोग्राम में लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपके साथ फिर बात हो रही है और आपके साथ, बल्कि ये आपके तवस्सुत से इतने सारे देखने वालों से बयक वक्त बात हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। सर मेरी तो जी मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं जैसे तस्करा कर रहा था अभी, क्योंकि मैंने कहा कि पहले मैं आपसे आपको भी साथ साथ ले लूँ और हम दोनों बातचीत करते रहें, कि मैंने बिल्कुल शुरू से इब्तदा से जब से आपको फॉलो किया है, कोशिश की है कि आपसे सीखा जाए, पढ़ा जाए, हर हर मोड़ पे हम आए, तो आज हमारी अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की कि आज इस्लाम चैनल के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ जुड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर इस बात पर। बहुत अच्छा, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया सर। सर बातचीत क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है एक महदूद वक्त होता है लेकिन बहुत से सवालात थे जो जहन में थे, हम चाहते थे कि वो सवालात हम आपसे करें। एक माहौल था, जैसा कि हमने आपके बारे में पढ़ा है, एक घर के अंदर एक माहौल था, ज़ाहिर है वालिद साहब भी शेर कहते थे, आपके दादा बहुत अच्छे शायर थे, उनकी तो किताब भी आई थी, तो एक माहौल तो था बहरहाल, और तसव्वुफ़ का माहौल था आपके यहाँ, एक ज़ाहिर एक खानकाही सिस्टम भी था, वो भी चीज़ें चलती थी वहाँ। फिर आपने अपने बारे में लिखा है कि आपकी वालदा जो आपको लहन माशाल्लाह अता हुआ, वो अल्लाह ताला ने उस तरफ से आपको एक आपको ये अल्लाह ताला ने अता किया, तो एक माहौल था घर के अंदर शायरी का, तो इस वजह से आप शायरी की तरफ रग़बत आपको हुई या आप वाकई दिल से समझते थे कि नहीं मुझे इस मैदान में आगे बढ़ना है? दोनों ही बातें बहुत अहम हैं, इसलिए कि वो मेरा ज़माना हो या आज का ज़माना, जो हमारे घर के वाकयात और हालात और माहौल होता है वो बच्चों के ज़हनी नश्व नुमा और फिक्री नश्व नुमा में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। चुनाचे ये यानी जिस घर से और जिस उससे माहौल से मेरा ताल्लुक़ रहा तो उसमें यकीनन मैंने बहुत सीखा और वो एक बड़ी मजबूत किरदार के तौर पे वो सामने आया। लेकिन अब शायरी ये ख़ास चीज़ है, अब मैं इसे यूँ बता रहा हूँ कि उसी घर में तो मुझसे बड़े मेरे कई भाई और ये सब थे मगर उनमें से तो किसी ने भी शेर नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर का हर फर्द अगर चाहता तो शेर कह सकता था, शेर मौजू करना, शेर को समझना, ये सारी चीज़ें घर के उससे आ जाती हैं। मगर मुझे ये ख़ास तौर से एक इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि वो जो लोगों के साथ बैठना, अशार सुनना, मशायरों में शिरकत करना, और जब मैं तालिब इल्म था गोया स्कूल के ज़माने में, उस वक्त तो ये सब चीज़ें नहीं थी कि टेलीविज़न हो या फला चीज़ हो, हम कागज़ कलम लेके और एक डायरी में अपने पसंद के अशार नोट करते थे, फिर उसका चर्चा होता था, वो सब जगह फैलते थे, उस पर बात करते थे। इस तरीके से सीख लेता है आदमी, वक्त ने सिखा दिया। सर ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम एक दूसरी तरफ आते हैं कि हम देख रहे हैं कि हिजरत हुई, हिजरत के बाद आप आए पाकिस्तान, ज़ाहिर है मसाइल थे, मसाइब थे, बहुत सी चीज़ें थी हम देख रहे थे।
फिर एक नौजवान बिल्कुल एक शख्स जो है अपनी फील्ड चुनता है, बैकग्राउंड उसने कहा बहरहाल शेर व अदब से ताल्लुक़ है घराने का भी, साइंस की तरफ चला गया और साइंस की भी मुश्किल तरीन फील्ड, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी आपका आपकी लगाव आपका लगाव साइंस की तरफ था? मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई ख़ास वो नहीं थी, मगर हमारे यहाँ माहौल कुछ ऐसे बने रहते हैं कि वो सब लोगों के लिए जो नौजवान और नौखेज अपने तालीमी उसमें आगे बढ़ते हैं तो वो तो या तो मेडिसिन में चले जाएं जो कहलाते हैं भाई डॉक्टर बन गए, इलाज मुआवजा करेंगे, इंजीनियर बन जाते थे, ये सारी चीज़ें थी, तो ये रास्ते तो खुले हुए थे। मगर उस वक्त मेरे जहन में या और मुझ जैसे और भी लोग होंगे उन्होंने ये समझा कि नहीं, इससे हटके जो अंदर से जो एक चीज़ थी वो ये थी कि किसी ना किसी सूरत दर्स व तदरीस से मुतालिक हो जाए आदमी। सो ये एक बहुत मेरे ख्याल है कि अल्लाह ताला के बड़ी एक नवाजिश और करम था मेरे हाल पे कि मुझे अपने ज़ौक के लिहाज से दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ पैदा कर दिया। तो अब देख लीजिए अब इसे तो 50 बरस से ज़्यादा हो गया माशाल्लाह कि उसी से ताल्लुक़ चला आ रहा है। जी सर, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, अब हम क्योंकि शायरी को हमने ज़्यादा आज डिस्कस करना था मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, तुंद हवा के जश्न में लगभग 1990 में आई, उसके बाद दूसरी किताब शोले पे ज़बा तो लगभग 95-96 में आई, उसके बाद तीसरी किताब, तो इतना तवील अरसा, मतलब क्योंकि आपके जो हम असर शोरा थे ख़ासकर जो आपके बहुत करीबी दोस्त थे जॉन एलिया, उन्होंने भी लगभग 60 बरस की उम्र में अपना पहला उनका कलाम जो आया था वो भी था, तो उसकी क्या वजह थी, क्या हम असर शोरा के का ताल्लुक़ था या उस वक्त एक ऐसा ही मिजाज था कि नहीं भाई आराम से किताब छप जाएगी जल्दी नहीं है? जी आपने ये अच्छा नुक्ता उठाया। देखिए उस ज़माने में सिलसिला ऐसा था कि मुझसे मेरे पेशरा यानी जॉन तो ज़ाहिर है कि मुझसे बहुत सीनियर और मेरे पेशरा में मौजूद थे, इसके अलावा भी थे जिन्होंने अपनी किताबें या अपनी शायरी को उस तरीके से किताब की सूरत में सामने नहीं लाए। बास तो इतने सीनियर थे कि काफ़ी ज़माने बाद कि जब वो उनका शुमार असातिज़ा में भी ऊपर के दर्जों में होता था उनकी किताब सामने आई, तो उस ज़माने में ये था कि ये जो आजकल है वो जो कहते हैं ना कि वो आपने जो कुछ कहा है उसे फौरन आप छपा के और सामने ले आते हैं, तो ये उस वक्त ये तरीक़ा था नहीं। अच्छा फिर एक हिजाब था, मिसाल के तौर पे अगर किसी की ख्वाहिश है कि मैं तो फौरन अपनी किताब छाप दूं तो उसे ये होता था कि देखिए मुझसे सीनियर मुझसे पहले के लोग मौजूद हैं उन्होंने नहीं छापी तो ये बड़ा अजीब सा होगा कि मैं आगे बढ़ के, तो ये सारी चीज़ें जमा हो गई थी एक साथ कि जिसमें उस तरीके से किताब या वक्त पे कह देना चाहिए नहीं छप सकी। अच्छा ये बात तो आपने बहुत सही की, असल में ये मेरा सवाल पूछने का एक मकसद था और मैं चाहूँगा कि वो जो मुख्तलिफ़ पैगामात हम आखिर में लेते हैं इस सवाल से जुड़ा मेरा एक सवाल है और आप वो जब इंशाल्लाह वो जवाब देंगे तो हमारे आज के लोगों तक वो पैगाम पहुँच जाएगा। आज असल में एक थोड़ी सी जंग चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ाना सुबह फेसबुक पर एक नई गज़ल लगानी है, रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करनी है और अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हम उस सफ़ से हट जाएंगे, और हर रोज़ एक नई गज़ल लानी है चाहे उसका कोई मकसद हो चाहे कोई फ़ायदा हो ना हो, तो ये एक जंग चल रही है सर, इसको क्या इसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब एक मसला तो खड़ा है ये बहुत सेहतमंदाना रवैया नहीं है, ज़रूर कहना चाहिए और अगर इस तरीके के मौके मौजूद हैं तो उसे सामने भी लाना चाहिए, मगर ये नहीं कि रोज़ के रोज़ आप तो कहते रहें। अब आप ये देखिए कि ये जो लोग इस तरीके से भेज देते हैं चीज़ें और मौजूद हैं उसे आप बाज़ दफ़ा तो देखना भी समझते हैं कि तजी औकात हो जाता है, कहीं कहीं आधे घंटे तक आप देख रहे हैं तो उसमें कहीं एक दो शेर ऐसे आए कि जिससे पता चला कि हाँ ये कहीं ज़िंदगी से करीब और ये कहीं आईना और कहीं रोशनी और कहीं जगमगाहट से बढ़ के आगे की कोई बात है। सो जहाँ तक एक कस्म का तारुफ है, जहाँ तक आप इस ग्रोह में शामिल होना चाहते हैं शेर कहने वाले, ये तो अच्छा हुआ है आज के ज़माने में कि ये मीडिया इस तरीके से मुहैया है कि आपको, नहीं तो रास्त उसमें क्या होता था कि पहले ज़माने में अगर आपको जाना है तो या तो आप मशायरे में जाएं, हर शख्स तो जा नहीं सकता और मशायरे में इस तरीके से एंट्री और मशायरे का वो मुश्किल था। अब दूसरी बात थी कि आप रसाइल में छपें,
सो वो जो रिसाले थे तो वो तो आप अगर आपने कहीं किसी रिसाले को कोई अपनी गज़ल भेजी है तो वो आप वहाँ भेजिए, फिर उसके बाद वो उस लाइन में लगा देंगे कि आपसे पहले के आई भी गज़लें छपेंगी। तो इसका मतलब है कि वो तो छपते छपते 4 महीने 5 महीने उसमें लग जाते थे जी। बहुत देर हो जाती थी। लेकिन इससे ज़रा फ़ायदा हुआ कि हाँ अगर ये चैनल है हाँ मगर लोग इसे मेरे ख्याल है संजीदगी से लें, सर और इस पे ये भी बहुत अच्छे मौाक़े हैं कि वो सीख लें। जी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सी तसहीह कर सकते हैं, बेहतर राय और मशवरा दे सकते हैं, तो इस तरीके से सर उनकी तो ज़ाहिर है शायर कि की जिम्मेदारी भी तो एक बढ़ गई ना, यानी कि अब एक शायर एक टेंशन, मैं आज के नौजवान शोरा के हवाले से बात कर रहा हूँ, बहुत से मेरे लोगों से बात होती है, बहुत से शोरा से बात होती है, वो एक परेशान भी होगा, यानी कि टेंस भी होगा कि भाई अब अगर हम नहीं लाएंगे कोई गज़ल हमें नहीं आई कोई सामने, तो हम उनको, मैंने तो उनसे कहा कि भाई ये तख्लीकी अमल है, ये तुम्हारे हाथ का तो है नहीं, अगर तुम अच्छी चीज़ समझते हो तो ले आओ रोज़ लाओ कोई मसला नहीं। तो वो एक जो शायर की क्या जिम्मेदारी बनती है इन हालात में सर? अब वो तो जाहिर है कि एक शख्स जो, ये तो अंदर की एक कैफियत है कि अगर किसी ने कहा है तो जी वो अव्वल फुर्सत में उसे दोहराना चाहता है, या तो वो किसी को सुनाएगा या अगर सुनाएगा नहीं तो कहीं छापेगा, जी किसी तरीके से तरसील का जो भी जरिया है उसे इस्तेमाल कर लेगा। तो ये तो ठीक है, शेर कहना भी अच्छा है, लेकिन हमें देखिए ये जो अदब है, जी अगर हम अदब से जुड़े हैं जी रास जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, और शायरी हो या अदब की कोई और सिंफ हो सुखन की या उसकी, इसमें जिंदगी जो है एक तो उसकी तस्वीर है। तो अब जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, उसे आप बयान कर दें तो क्या बस यही अदब होगा? नहीं, यहाँ से तो बात शुरू होती है। असल में जिंदगी जो है उसकी तस्वीर नहीं है बल्कि जिंदगी की तफसीर भी चाहिए। जी और जब हम कहते हैं कि ज़िंदगी की तफसीर चाहिए तो वहाँ अदब जो है वो ज़िंदगी की तफसीर के लिए सामने आता है, और उससे हम जोड़ते हैं तो फिर वो तहदारियों से निकल के और ज़िंदगी के आला मकासद और पूरी, देखिए जो जो जिसे हम कहते हैं ह्यूमनिज्म, इंसानियत, जी इंसानियत की फलाह जो है वो सारी की सारी अदब है। अगर कोई कहे कि साहब ये अदब जो है इसमें जहाँ भी आप देखें कि ये इंसानियत और उसकी फलाह और उसके उसके दायरे से बाहर निकला, तो मैं तो नहीं समझता कि अदब है। सही अदब से जुड़ने के लिए ज़िंदगी से जुड़ना है, मकसदियत से जुड़ना है, ज़िंदगी और इंसान की फलाह से जुड़ जाना है। सो सही अब देख लीजिए कि जो जो शेर कह रहा है, छाप रहा है, तो उसमें कितना इसकी कितनी पासदारी हो रही है। बेशक, बहुत अच्छी बात की सर आपने। सर गुफ्तगू को हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं, हम बात कर रहे थे आपके हम असर शोरा के हवाले से, और उनमें जैसे कि आपने कहा कि जॉन भाई थे और बहुत से लोग थे, मुशायरा एक किरदार अदा करता था उस दौर में, बहुत बड़ा किरदार अदा करता था। मैं और मेरे जैसे बहुत से दोस्तों ने वो वीडियोस जो आई उनसे हमने सीखा, फिर जो आलमी मुशायरे मैंने अटेंड किए कराची में, आप सबकी ज़ेरे सरपरस्ती वो मुशायरे, शहर कायद मुशायरे और मुख्तलिफ ये मुशायरे हुआ करते थे। आज मुशायरों की तो बहुतात है, हर तरफ मुशायरा मौजूद है, क्या इससे फरोग अदब हो रहा है? देखिए जो जो शायरी मशायरे में या किसी आम उस पर आप पेश कर देते हैं तो उसका एक अपनी फिक्री तौर पे और इजहार की एक सतह होती है। सो एक तो यह है कि हम ये कहते हैं कि मशायरों का किरदार क्या है और अब तक उसने क्या किरदार अदा किया और आगे क्या कर सकता है। इसमें एक बात ये आती है कि अगर हम बात कर रहे हैं उमूमी ज़ौक की, ये ज़ौक जो है ये वो है कि जो आम लोगों तक, आम लोगों का मतलब यह है कि एक आदमी जो ज़बान जानता है, जो ज़बान से थोड़ी सी दिलचस्पी उसे उसे समझ लीजिएगा शायरी या मौसिक इससे है जुड़ा हुआ, तो वो फौरन उसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर ले। और इसमें जो है जो शायरी हम उन तक पहुंचा रहे हैं उस सब लोगों को, ये अमूमी ज़ौक़ की है, आम ज़ौक़ की चीज़ है। तो मशायरे अमूमी ज़ौक़ के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे, उससे ज़ाहिर है ज़बान की भी तरवीज हुई और उससे वो फैली, जब ज़ाहिर है शायरी फैल रही है तो उर्दू ज़बान भी फैल रही है। तो ये तो बहुत बड़ा किरदार मशायरों ने अदा किया है। मगर माशरे में एक कल्चर जिसे हम कहते हैं उसकी सकाफत बन के उसे कायम होना चाहिए। तो हम दुनिया में देख रहे हैं कि कहीं अब मशायरा उस तरीके से है, कहीं उस तरीके से नहीं रहा। सो लेकिन अमूमी ज़ौक़ की सतह से
बुलंद होके जब आप ज़िंदगी की तहदारियों के सिम जाएंगे और लोगों के लिए उसे आप बयान के पैराए में लेके आएंगे, तो वो फिर मशायरे से हट के फिर कोई चीज़ हो जाएगी, जिसके लिए ये आपका फोरम बहुत अच्छा है। इस पे ये वो नहीं है, मशायरा तो हम नहीं कर रहे, मगर हम शादी की बात कर रहे हैं, हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, हम इंसान और इंसानियत की फजीलत उस पर बात कर रहे हैं, तो जाहिर है ये तो एक बड़ा काम कर रहे हैं। सही सर, अशार एक किसी भी शायर की एक ये ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि उसका कोई एक शेर जो है कम से कम पहुंच जाए और अमर हो जाए, लेकिन हम आपके माशाल्लाह कलाम जो हमने देखा मुख्तलिफ असम्बलीज तक वो बाज गश्त गई कि सानहा नहीं टलता सानहे पे और रोने से हब से जाना कम होगा बेलिबास होने तक, बल्कि इसके अलावा चंद और अशार थे जो शहर तलब करे अगर तुमसे इलाज तीरगी साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो, सिंध असम्बली में ये अशार सुनाए गए, मुख्तलिफ असम्बली में गए, तो कैसा महसूस होता था कि आपने जो कहना था शेर में जो कहना था उसका मकसद पूरा हो रहा, ऐसा लगता था अंदर से फीलिंग्स आती थी इस तरह की? किसी हद तक ये अच्छा है कि किसी भी बहाने से अशार जो है वो आम लोगों तक, और फिर ये हलका कि जो हमारे सियासत या उसमें वो होता है उनमें जो ये ज़ौक और शेर फहमी ये सारी चीज़ें वो उसे अपनी सियासत के एक हिस्से के तौर पर तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसकी रूह तक और उसकी गहराई तक नहीं जाते। तो ये तो एक अच्छा है कि इस बहाने लोगों तक बहुत सारी चीज़ें पहुंच गईं, लेकिन ये तो वक्त और ज़माना है, अगर वो इस तरीके का मौका एक मुहैया कर देता है तभी आदमी आगे जाता है, नहीं तो कितने लोग हैं कि जिनके अशार और वो इस तरीके से ज़बान से आम होने चाहिए थे वो नहीं पहुँच पाए। तो ये एक किस्म का मेरे ख्याल है मिंजाने वाला हो जाता है कि कोई इसमें इन हो गया। सर कुछ असाब जिंदगी में मंजूरी से नहीं हो सकता। देखें अगर मैं कहूँ कि मैं सारी दुनिया में जाना पहचाना जाऊँ तो मैं कोई तीन तीन या चार किताबें लिख दूँ और इस तरीके से मैं इन सेमिनार्स में शामिल हो जाऊँ इसमें हो जाऊँ तो मैं मकबूल तरीन लोगों की सफ में शामिल हो जाऊँगा, ये बिल्कुल ये सोच ही बिल्कुल फजूल है, इसलिए कि ये ऐसा होता नहीं है ना हो सकता है। ये तो दुनियावी ज़राएँ हैं, उसमें आदमी चला जाता है, जो कबूलियत है जिसे हम कहते हैं कबूल आम जी, कबूल आम के दर्जों में पहुंचने के लिए तो वो कुछ ना कुछ चीज़ ऊपर से आपके साथ ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से शामिल हो जाती, नहीं तो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात की सर आपने। सर जैसे मैं अभी बात कर रहा था हम असर शोरा के उसके हवाले से, चंद एक नाम है जो आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने मैं समझता हूँ जो हमने जितना पढ़ा है देखा है बहुत असर डाला, ख़ासकर अगर मैं जॉन भाई का नाम लूँगा, सलीम जाफरी का कहूँगा, अबुलखैर कश्मी साहब, शहजाद अहमद, इन तीन चार अफराद के बारे में क्या कहेंगे आप, कैसे कैसा पाया आपने इन सबको? देखिए बात यह है कि इसमें जाहिर है कि ये सब ये मेरा ज़माना है। अच्छा मैं जब कहता हूँ कि जब मेरा ज़माना है तो उसमें दो किस्म के लोग हैं, एक तो ये कि जो मेरे पेशरौ है वो चले आ रहे हैं, पूरे उनके साथ जो एक अदबी फ़िज़ा है वो उन्हीं की बनाई हुई है, तो वो मेरे पेशरौ अगर आपको नसीब में आपके अच्छे पेशरौ आपको मिल जाएं, फिर आपके साथ जो लोग हैं काबिल खसूस आपके असातिज़ा में आपको बताने वाले और एक ऐसे वक्त पे कि जहाँ आपकी तरबियत ज़ात होती है, तो वहाँ अगर कुछ अच्छे लोग मिल जाएँ, मिसाल के तौर पे आपने नाम लिया डॉक्टर सैयद अबुल खैर कश्फी साहब का, तो कश्फी साहब तो मेरे रास्त उस्ताद रहे हैं, यानी मुझे उन्होंने पढ़ाया है, जो मैंने उर्दू जो कुछ भी, मैं तो ज़्यादा साइंस का तालिब इल्म था, लेकिन जो भी उर्दू ज़बान जो कुछ भी सीख सका वो उसमें कश्फी साहब या और मेरे असातिज़ा इस तरीके से मौजूद थे। मगर देखिए मैंने एक जगह कश्फी साहब ही पे बात हो रही थी तो मैंने वहाँ एक बहुत ऐसा कोई ऐसी बात कही कि जो बहुत गहराई और सोच की वो रखती है। मैंने ये कहा कि देखिए हमें भी ज़बान पढ़नी थी तो हमारे बहुत सारे असातिज़ा थे वो ज़बान पढ़ा रहे थे, अदब पढ़ा रहे थे, मगर कश्फी साहब जो मेरे असातिज़ा में से वो ज़बान और अदब तो अपनी जगह, वो हमें ज़िंदगी पढ़ाते थे। क्या बात है, ज़िंदगी तो ज़िंदगी से जो जोड़ दिया, राज जोड़ दिया जिंदगी के हकायक, और कश्मीर साहब ये कहते थे कितना बलीग जुमला उन्होंने कहा है कि जो है
ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कंधे पे बदलती हुई दुनिया का सारा बोझ बर्दाश्त कर सके। तो ये नए जमानों में जो शायरी है, जो आज है कल और बदलेगी, आप हैं दूसरे लोग हैं और आते चले जाएंगे, मगर ये जिंदगी का बोझ सहारना है अपने कंधों पे और उसे लेके जाना है और उसे ले जाके आने वाले जमानों के जो लोग हैं उनके हवाले करना, जैसे हमारे हवाले कर दिया। तो ये एक तसलसल है, इसको जितना भी जारी रखा जा सके अच्छा है। तो अबुल खैर कश्मी साहब का नाम लिया, अच्छा जो हमारे यानी हमसे पेशरौ जो हमारे थे, तो आप ये देखिए कि वो तो सिलसिला शायरी में तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में सब मिला लें तो बहुत बड़े लोग, फैज अहमद फैज साहब से हमें तो सब नसीब हो गए हमारे वक्त में। ये मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का, और मेरे साथ अगर मेरी नस्ल है तो उसके भी, ये एक बहुत ही बड़ी एक हमारे लिए एक समझिए कि एक वो थी अल्लाह ताला का करम कि हमें वक्त इतने बड़े बड़े लोग के जो इस तरीके से पैदा नहीं होते, एक जमाने में जमा नहीं होते, नसर के भी बड़े नाम, शायरी के भी बड़े नाम कि जो जो हमें सब मयसर आ गए, वही कौन नहीं है। फैज साहब, उससे फैज साहब से लेके आप समझ लीजिए कि सब फैज साहब हैं, कैफी आजमी हैं, अली सरदार जाफरी हैं, अख्तरुल ईमान हैं, आप देखिए यानी कासमी साहब हैं, और फिर जो ये तो सफ़े अव्वल थी उस वक्त, बाद में जो हमारी सफ़े अव्वल बनी वो सफ़े दोम और सोम के लोग थे जो ऊपर आए। अच्छा, उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सफ़े अव्वल के साथ साथ बिल्कुल जो ऊपर जिसको होना चाहिए था और उसका इतना चर्चा नहीं हुआ, हमारे पूरी अदबी दुनिया में जितने भी शेर कहने वाले हैं उसमें अगर आलमाना तौर पे, इल्मी तौर पे अगर आप कहें कि सरबा बुर्दा लोगों में कौन हो सकता है जिसने सारे उलूम और फनून को इस तरीके से पढ़ा हो, तो उसमें शहजाद अहमद का नाम आता। आज लोग देखें शहजाद अहमद साहब को उसी तरीके से देखें, उस पर अभी बहुत काम की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से जब आप आएंगे तो उसमें जॉन एलियट का नाम आता है। जॉन एलिया को अभी उनकी शायरी वो जो बिल्कुल खट से दिल पे लग जाती है और वो हिला जुला देती है, उस तरीके से तो बहुत देख रहे हैं, मगर जॉन एलिया जो है वो तो स्कॉलर थे भाई, वो आलमाना जो उनके अंदर जो कुछ था वो उसे तलाश करना चाहिए, वो उनके अशार में भी मिलेगा। उनके जो इंशाइये लिखे में वो ऐसे कमाल के हैं कि नसर लिखने वाला भी उन जैसा कोई नहीं था, यानी उस वक्त भी नहीं था और आज तक मैं देखता हूँ कि जॉन एलिया जैसी तो एक लाइन लिखना बहुत मुश्किल है। पर ये तभी गुफ्तगू है। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू का हमारा सिलसिला जारी है क्योंकि हमें दो मिनट पर ब्रेक पे जाना है। एक मुख्तसर सा सवाल जो आज के दौर के हवाले से ज़रूर उठता है और हमेशा पूछा जाता है, शायरी में मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं, कुछ लोग नज़्म को उनवान बनाते हैं, कुछ गज़ल को अपना मैदान समझते हैं, आपने माशाल्लाह हर दो चीज़ों को लेके आप चले हैं, बल्कि आपने तो नसरी नज़्म भी कही है, तो आपको कैसा लगता है, किस फील्ड में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? जी एक बात, चीज़ें तो सिर्फ आदमी तजर्बे के तौर पे करता है और देखता है, लेकिन ये कि जो मेरा अगर आप कह लीजिए तो वो जो है वो तो गज़ल और उसके गिर्द ही रहा, और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बहुत ज़्यादा काम मैं नज़्म में कर सका हूँ। हालांकि सारी ये नज़्म और ये सारी चीज़ें मेरी तीन किताबें जो अब तक हैं उसमें सब में नज़्में शामिल हैं, मगर ये कि लोग भी जो तवज्जो देते हैं और उन्होंने उसे काबिल इतना समझा है तो वो शायरी जो है वो जो गज़ल की शायरी थी उस तरफ ज़्यादा गए। जी बहुत शुक्रिया सर, छोटा सा हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। दोस्तों हमारे दरमियान डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब मौजूद हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत इनसे बातें करूं, बहुत कुछ सीखूं, बहुत कुछ समझूं, वक्त की किल्लत है। इंशाल्लाह अगले हिस्से में जब हम आएंगे तो कुछ कॉल्स का सिलसिला भी जारी करेंगे, आप चाहें तो कॉल्स कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और लेकिन जो असल चीज़ होगी वो ये होगी कि हम इनसे इनका कलाम सुनेंगे, मुतरन्निम कलाम बहुत खूबसूरत लबो लहजे से ये अंदाज़ में पेश करते हैं। आज तक मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में इतना अच्छा तरन्नुम शायद ही किसी शायर का देखा, और लगभग
30-35 बरस से जिस तरह मैं इनको देख रहा हूँ, अल्लाह ताला में इसी तरह 30-35 बरस, कम से कम 50 बरस और हम इनको इसी तरह देखें और इनकी जो है गज़लें हम सुनते रहें। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे कहीं मुलाकात, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। मेरे दरमियान आज हमारी इस महफ़िल में मौजूद हैं तुंद हवा के जश्न में शोले पे ज़ुबां और बेमुसाफत सफ़र के मुसन्निफ़, उसके शायर, मेरे बहुत ही अज़ीज़, मेरे बहुत ही मोहतरम, बड़ी मोहब्बत है मुझे इनसे, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे थे, हमने कहा कि अब क्योंकि गुफ्तगू तो हमने चीज़ें करनी थी और बहुत बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास फरमाइशों की एक तवील फहरिस्त है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप सब सुनाएं, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ कलाम की इब्तिदा आप अपनी पसंद से करें और आज आपकी पसंद ही हम सुनेंगे ताकि वही हमारे नाज़रीन और सामईन तक पहुँचे। जी अब वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें अब मेरे पास है कि ये एक इंतखाब छोटा सा छपा हुआ था, उसमें से मैं कुछ आपको सुनाऊंगा। तो मैं अर्ज करता हूं कि खैर मने जहाँ के लिए खुद ही शरर हो गए हम। वाह वाह। खैर मने जहाँ के लिए खुद ही शरर हो गए हम, खाक सारी जो बढ़ी खाक बसर हो गए हम। वाह वाह। खाक सारी जो थी खाक बसर हो गए हम। वाह। अपने अपने होने का यकीन आ गया बुझते बुझते। आहा, अपने होने का यकीन आ गया बुझते बुझते, बेतरा शब में जो इम्काने सहर हो गए हम। बेकरा शब में जो इम्काने सहर हो गए हम, इम्काने सहर हो गए हम। और अर्ज किया है कि नामुरादी में निशाते गमे इम्कान था जब। नामुरादी में निशाते गमे इम्कान था जब, हम कभी शाद ना हो पाते मगर हो गए हम। हम कभी शाद ना हो पाते मगर हो गए हम, हो गए हम, मगर हो गए हम। ज्यादा ज्यादा इश्क तेरा हक तो अदा किससे हुआ। वाह क्या मसरा है। तेरा हक तो अदा किससे हुआ, खैर इतना है कि आगाज़े सफर हो गए हम। वाह वाह वाह। खैर इतना है के आगाज़े सफ़र हो गए हम। आगाज़े सफ़र हो गए हम। और अर्ज़ किया है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि सुबुक सर ना हुए। वाह। ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि सुबुक सर ना हुए, यानी इस दौर में जीने का हुनर हो गए हम। वाह वाह वाह। यानी इस दौर में जीने का हुनर हो गए हम। वाह। और शेर देखिए कि लोगों तक पहुंचेगा, पसंद आएगा, कि हम नहीं कुछ भी मगर मार कहे इश्क की खैर। वाह। हम नहीं कुछ भी मगर मार कहे इश्क की खैर, जीत मकसूम हुई उसकी जिधर हो गए हम। वाह वाह सर। हम नहीं कुछ भी मगर मार कहे इश्क की खैर, जीत मकसूस हुई उसकी, जीत मकसूम हुई उसकी जिधर हो गए हो। और तेशा भी हम थे, यकीन हम थे, सो जिंदा क्या चीज। तेशा भी हम थे, यकीन हम थे, सो जिंदा क्या चीज। यही होना था, यही होना था, सो दीवार में दर हो गए हम। वाह वाह। यही होना था, सो दीवार में दर हो गए हम। और एक शेर और पढ़ता हूँ इसमें इस गजल का, के दस्ते कुदरत, देखिए कि दस्ते कुदरत हमें कुछ और है बनना, कुछ और है बनना सो बना। दस्ते कुदरत हमें कुछ और है बनना सो बना। छोड़िए जिक्र के कतरे से गोहर हो गए हम। हाँ 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 हाँ। क्या खूबसूरत बात सर, किस तरह आपने उसको लेकर आए। वाह वाह।
बहुत शुक्रिया। दस्त कुदरत हमें कुछ और है बनना, सो बना छोड़िए जिक्र के कतरे से गोहर हो गए हम, फिर मन के लिए खुद ही शरर हो गए हम। वाह और शेर पढ़ता हूँ कि जी पता नहीं लोगों ने ये सुने या उन तक पहुँचा कि नहीं, कि लम्हा लम्हा मेरा हर एक से सिवा जागता है, आहा लम्हा लम्हा मेरा हर एक से सिवा जागता है, जागता है। मैं अलग जागता हूँ दर्द जुदा जागता है, आहा हा 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 क्या खूबसूरत बात है, वाह वाह। लम्हा मेरा हर एक से सिवा जागता है, मैं अलग जागता हूँ दर्द जुदा जागता जागता है। है, वाह। ख्वाब ख्वाब हो जाने से पहले कोई हर्फ खुश काम, वाह। ख्वाब हो जाने से पहले कोई कोई हर्फ के खुश काम, इसी उम्मीद पे ये ज़हने रसा जागता है, हाँ 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 वाह। इसी उम्मीद पे ये ज़हने ये रसा ज़हन जागता है। जागता है। और फिर अर्ज किया है कि ए मेरे दर्द बता हद से गुजरना कब है, वाह। मेरे दर्द बता हद हद से से गुजरना गुजरना कब है। कब है, तू जो यूं जागता रहता है तो क्या जागता है। वाह वाह वाह, कितनी सादगी से कहा सर, वाह वाह। हाँ ए मेरे दर्द बता हद से गुजरना कब है, हाँ तू जो यूं जागता रहता है सो क्या जागता है, वाह, तू जो यूं जागता रहता है सो क्या जागता जागता है। है, वाह वाह वाह। सर कुछ हमारे यहाँ फरमाइशें हमारे पास मौजूद हैं जिसमें ख़ास करके, तो पहली फरमाइश तो ज़ाहिर तरन्नुम के हवाले से लोगों ने की है, तो मैं चाहूँगा कि आपने उस दिन भी तुंद हवा के जश्न में जो एक ज़मीन में आपने जो सुनाई थी गज़ल, वो बहुत खूबसूरत गज़ल हमारे साथियों को बहुत अच्छी लगी, और ज़ाहिर काफ़ी पुरानी है लेकिन पसंद तो की जाती है। इसके अलावा जो फरमाइशों का तवील सिलसिला है कि अब हर्फ़ तमन्ना को समात ना मिलेगी के हवाले से भी लोगों ने कहा है, सानिहा नहीं टलता तो मैंने सुनाया, और ख़ास कर वो खाक करने वालों की क्या अजीब ख्वाहिश थी खाक होने वालों को खाक भी ना समझा जाए, मुख्तलिफ पुरानी गज़लियात की फरमाइश तो आई है, लेकिन आपको मैं ख्वाहिश मेरी है कि आप तरन्नुम से हमें कुछ सुनाएं। अच्छा, अब तरन्नुम से ज़रा दुश्वार सा होता है, मगर मैं दो तीन शेर कुछ सुना दें आपको आपको सुनाता हूँ कुछ। जी एक एक गज़ल है जो बहुत बहुत फरमाइशें उसकी आती थी, जी तो अब वो मैं सुना रहा हूँ कि खुल गई सामने जो मैं कुछ सफ़ा पढ़ता। जी हाँ, अर्ज किया आहा कदूरतों के के दरमिया, दरमियाँ, आहा अदावतों के दरमियाँ, वाह, कदूरतों के दरमियाँ, अदावतों अदावतों के दरमियाँ, तमाम दोस्त अजनबी हैं, दोस्तों दोस्तों के दरमियाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कदूरतों के दरमियाँ, अदावतों के दरमियाँ, ये सोचते हैं कब तलक जमीर को बचाएंगे, आहा ये सोचते हैं कब तलक जमीर को बचाएंगे, जमीर को बचाएंगे, अगर यूं ही जिया किए जरूरतों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर यूं ही जिया किए जरूरतों के दरमियाँ, वाह। ज़मीरे असर में कभी नवाए दर्द में कभी, ये शेर शेर पसंद है इस गजल का, वाह वाह सर क्या कहने, ज़मीरे असर में कभी नवाए दर्द में कभी, सुखन सरा तो मैं भी हूँ सदाकतों के वाह दरमियाँ, वाह वाह वाह, सुखन सरा तो मैं भी हूँ सदाकतों के दरमियाँ, वाह। कदूरतों के दरमियाँ,
अदावतों के दरमियान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने सर। सर कलाम भी हम आपसे सुन रहे हैं, बाजी बातें भी हो रही हैं। ये तरन्नुम के हवाले से जो मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, ज़ाहिर है कहते हैं ना जुमले में आप पढ़ी है सुखन का सराना, बात वाली बात है कि तरन्नुम से उमूमन लोग, बहुत से लोग तरन्नुम का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि वो शेर में कोई दम नहीं है। लेकिन मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर तरन्नुम फॉलो करना है तो डॉक्टर पीरज़ादा कासिम जैसा तरन्नुम हो और ऐसा तगज़ुल भी हो तो ज़रूर फॉलो किए, वरना खाली गायकी के लिए लोग, बहुत से लोग तरन्नुम को मुशायरों की जीनत बना रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क में भी हमने काफ़ी देखा है, लोग बहुत ज़्यादा इसका रिवाज है। तो इस पर कोई ख़ास आप, क्योंकि आप तो मैं देख रहा हूँ कि आप तरन्नुम से ज़्यादा जो है इसमें देखिए, एक 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 तो बात यह है कि मैं ये अर्ज़ करूँ, सब सुनने वाले सुन ही रहे हैं कि शेर के लिए या शायरी के लिए जो फ़िक्र है और जो उसका इजहार है उसके लिए तरन्नुम ज़रूरी नहीं है। लेकिन लेकिन ये हमने महसूस किया है कि जब कोई चीज़ लहन के साथ पढ़ी जाए जी, तो उसकी असर अंगेजी में इजाफा हो जाता है। ये कहीं मेरे ख्याल है अंदर जो हमारी जो सिलसिले जो बनते हैं लहन से, मौसीकी से, इस सारी चीज़ों से, तो वो उसके साथ कहीं कहीं जुड़ जाती है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि गज़ल तो हजरत मीर की हो या गालिब की हो, वो तो अपने मकाम की ऐसी चीज़ है कि किसी के ये कहना कि साहब वो उसका असीर है वो एक बेमानी सी बात है। वो तो अपना मकाम और अपना अपनी जगह सब बनाए हुए हैं। लेकिन वही गालिब की या मीर की एक गज़ल जो कोई आपको तहत लफ्ज़ पढ़ के सुना रहा हो, अगर वही गज़ल आप किसी से गवा दीजिए, तो जब वो लहन के साथ, तर्ज के साथ और किसी उसके साथ जब वो गाने वाला आपको पेश करेगा तो उसकी असर अंगेजी बहुत बढ़ जाती है। तो ये तो सिलसिला गाने से मिल गया। लेकिन एक चीज़ होती है कि जिसका अब चर्चा उस तरीके से नहीं रहा, मगर जब हमने शुरू किया था और हमारे जो अव्वल जिंदगी के थे उसमें ये बात बहुत वाज़े तौर पे आती थी कि तरन्नुम जो है एक शायराना तरन्नुम एक अलग चीज़ है और गायकी एक अलग चीज़ है। सो गायक जुड़ जाना वो एक बिल्कुल ही, जो बड़े वकी लोग हैं ना वो उसे एक नापसंदीदा उससे जोड़ देते हैं, और मैं समझता हूँ इसमें कोई गलती भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये शायराना तरन्नुम, बेशक, तो वो शायराना तरन्नुम जो है वो बहुत कम कम नसीब हुआ, तो जिसे हो गया हो गया, जाहिर माशाल्लाह। नहीं सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि मैं असल में चाह ये रहा था कि ये मैसेज, क्योंकि मैं ख़ुद भी अक्सर मुशायरों में, जाहिर है मैं क्या और मेरी बिसात क्या, लेकिन मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि तरन्नुम से पढ़ूँ अगर कहीं ज़रूरत होती है। लेकिन हमें ये फ़र्क रखना होगा कि एक शायराना तरन्नुम जिसकी आपने वजाहत की और एक मौसीकी से भरपूर एक पूरे सुरों के साथ पढ़ना, वो एक अलग चीज़ है। सर गुफ्तगू आपसे जारी है, बातचीत भी हो रही है। अभी आपने तذکرہ किया मुख्तलिफ शोरा का, उस हवाले से जिस ज़माने में आप ने शायरी के मैदान में कदम रखा और आपको मसाइल व मसाइब का, परेशानियों का भी अंदाज़ा था, वो जो शेर आप उस ज़माने में कहते थे और आज शेर जो कहते थे, ज़ाहिर है हालात तो बदल गए, हालात तो तब्दील हुए, लेकिन आपकी शायरी के हवाले से मुख्तलिफ जो मैंने तज़ज़ियात पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक भरपूर ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाइस चांसलर रहे कराची यूनिवर्सिटी के, अभी भी आप वाइस चांसलर हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के, और मुख्तलिफ तालीमी इदारों से आप मुंसलिक रहे। आपने उस दिन भी मुझसे कहा कि मेरा जो असल सरमाया है मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन शायरी में आपके यहाँ दुख और गम का बयान बहुत मिलता है। मैं बिल्कुल एक बहुत मामूली सा बिसात मेरी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है ख़ुशी और इसका जो अंदाज़ा है वो कम है। इसकी क्या वजह है? क्या हालात से मुतासर होकर आपने ये सब अशार लिखे या अंदर से कुछ ऐसा कुछ है? ये तो जाहिर है कि ये तो महसूसात की जो दुनिया है वो महसूसात की दुनिया तो एक अंदर की दुनिया है। आप बज़ाहिर चीज़ों को देखते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन ये कि जब वो महसूस होता है तो वो आप किस तरीके से महसूस करते हैं। तो होना ये चाहिए कि जिसको अरफा कहा गया है कि वो जो ज़िंदगी भर के जो तमाम लोगों के जो दुख हैं, जो खुशियाँ हैं,
अगर वही आपकी खुशियां और आपके दुख नहीं बन जाते तो आप कोई काबिल कदर और काबिल मिसाल कोई काम आप नहीं कर रहे। तो मैंने ये कहा एक एक गज़ल में, एक शेर आया, शेर कहा मैंने कि मुझे तलाश करो भी तो आम लोगों में, मुझे तलाश करो भी तो आम तो लोगों, आम लोग उन्हीं के गम मेरे गम, उनकी शादमानी मेरी। तो मेरे यहाँ जो एक सिलसिला जो ज़रा सा फ़र्क के साथ रहा, देखिए मैं अभी सब सुनने वाले हैं तो मैं इन्हें ये बताऊं कि जो कबूल आम जिस पे हमने शुरू में बात की थी जी, उस दो पहलू बहुत शायरी में बहुत नुमायाँ तौर पे आए। एक पहलू तो ये है कि आप रोमांटिसिज्म के हिसार में हों और शेर कहते हों और वही रोमांटिक प्रोफाइल के लिए आप शेर कहते हों और आपकी मुखातिबत और वो उन्हीं लोगों से हो कि जो वो चाहते हैं। दूसरी बात मैं इसी में जोड़ूं वो ये कि जितने भी ज़माने गुजरे, मेरा ज़माना था, मुझसे पहले का ज़माना था, मेरे बाद आने वाला, जो ज़माने जो भी आएंगे उसमें एक 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 अपील और एक वो जो रोमांटिसिज्म की होती है वो मौजूद होती, वो हमेशा से थी, कल भी थी, आज भी है। अब ये जो है ये अपना एक अलग तकाजा रखता है, तो ये एक मजबूरियत का है कि जो इस तरफ जुड़ जाए। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे हालात हैं ज़िंदगी के, और उसमें जिस चीज़ ने शायरी में भी और बहुत ही कमाल और बड़े नुमायाँ तौर पे लोगों का वो तज़िया किया और उन्हें मकाम दिया वो है एहतजाज, जो हमारे हालात और वो हैं उस पर आवाज़ उठाना, उस पर बात करना, उस पर एहतजाज करना, ये भी एक कबूल आम की शायद। सर आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, जैसे कि आपने कहा कि गाह गाह वहशत में घर की समत जाता हूं, इसको दश्ते हैरत से वापसी ना समझा जाए, तो ये क्या उन हालात जो हम कराची में उस वक्त देख रहे थे, जो मुल्की हालात थे, ये उसकी भी तर्जुबानी करते थे? मुझे तो ऐसा लगता है आप उससे भी दिल बर्दाश्ता थे उस ज़माने में। बेशक ये तो सोच है और ये ज़मानों को आदमी देखता रहता है अपने सामने आते जाते गुजरते हुए, और मौसमों की और उन वक्त उस वक्त की और उस ज़मानों की भी खबर और सुनगुन लेने की कोशिश करता है कि जो आने वाले हैं। तो इसमें तो ये इसे हम कहते हैं इंटरेक्शन, तामुलात हैं, ये होते चले जाते हैं। अब उसमें जो मैं बात कह रहा था कि उसमें अगर कोई रोमांटिक, अब आप ये देखिए कि जिनमें ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें अगर हों तो वो मकबूल तरीन सफ़ में क्यों नहीं शामिल होगा, मेरे भाई फराज क्यों नहीं होंगे? देखिए दोनों बातें हैं, ने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, और उनके यहाँ जो रोमांटिसिज्म है वो भी जबरदस्त बड़ी अच्छा। उसके बाद अब मैं ये मिसालें यूं दे रहा हूँ ताकि लोग इसे समझ लें। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारे कितने कितने जबरदस्त और मकबूल शायर मेरे बहुत ही करीब, यानी हबीब जालिब जी। अब हबीब जालिब में जो रोमांटिसिज्म वाला है वो तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, मगर पूरी शायरी की जो वो जिस पे वो छा गए वो तमाम वो है, वो एहतजाज है जो उन्होंने वक्त को रोक के और उसमें गिरफ्त में लेके और उन्होंने जिस तरीके से जी कहा है, तो वो तो अब ये कबूल आम के वो रास्ते हैं। मगर मेरे यहाँ मेरी शायरी का अगर आप तज़िया करें या जिन लोगों ने कहा है उसे गौर से पढ़ें जी, तो उसमें ये दोनों चीज़ें उस तरीके से नहीं मिलती। तो मेरे उसमें जो है वो इंसान और इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा है और जिन मसाइल से दो चार है उससे जो एक कर्ब अंदर पैदा होता है, एक तो दुख और दर्द है, वो उसका एहसास जो है वो अंदर पैदा हो जाए और वो आपकी तख्लीकी जौहर के तौर पे सामने आ जाए, तो इसमें मेरे यहाँ चीज़ बन के आती है वो फिर ढल जाती है, इसे हम कहते हैं मलाल जी। मलाल, ये मलाल वो दुख और वो दर्द और वो सर्ग उस तरीके का ये मलाल है। बेशक, जब बेशक। ये मलाल फैल जाता है तो फिर ये दूसरी चीज होती है और फिर वो मेरी सर, शायरी में बहुत बहुत आपने इसको वजाहत किया, मैं चाहता था कि वजाहत हो जाए, अब क्योंकि वक्त की हमारे पास किल्लत है, लगभग 4-5 मिनट हमारे पास बचे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से हम ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सकें और हमारे नाज़रीन भी हो सकें, तो अपना कलाम अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें तो बड़ी इनायत होगी। जी जी जी, तो मैं
पेश करता हूँ कि मैंने मैंने अर्ज़ किया कि जैसे यादे इम्बिसाते गम के बाई के बाद, गौर कीजिए, जैसे यादे इम्बिसाते गम शके बाई के बाद, देर तक रोते रहे हम बज्म माराई के बाद, क्या देर तक रोते रहे हम बज्म आराई के बाद, बज्म आराई के बाद, और अर्ज किया है कि खुद को पा लेने की हसरत में तुरस्वा हुए, खुद को पा लेने की हसरत में तुरस्वा हुए, बहुत रुस्वा हुए, कुछ सिवा रुस्वाइयां हैं अब शनासाई के बाद, क्या खुद बात है को सर? पा लेने की हसरत में बहुत रुस्वा हुए, वाह, कुछ सिवा रुस्वाइयां हैं अब शनासाई के बाद। और ये जो मेरी तीसरी किताब है उसका सरनामा इसी से बना के बेमसाफत एक सफर दरपेश रहना चाहिए, बेमसाफत एक सफर दरपेश रहना चाहिए, बेमसाफत एक सफर सफर दरपेश रहना चाहिए, सोचते हैं उम्र भर की ज्यादा पैमाई के बाद। हाँ 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 सर, मुकम्मल जिंदगी का आपने जो है ना इस पे तायुन पूरा हो गया। बेमसाफत एक सफर हाँ दरपेश रहना चाहिए, सोचते हैं उम्र भर की ज्यादा पैमाई के बाद, वाह, ज्यादा पैमाई के बाद। और अर्ज किया है कि कल कल मैं खुद से सिलसिला दर सिलसिला मिलता रहा, वाह, देखिए, आहा, कल मैं खुद से सिलसिला सिलसिला दर दर सिलसिला सिलसिला मिलता मिलता रहा, रहा, आलमे तन्हाई जैसे दश्ते तन्हाई के बाद। हा 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 सर क्या कहने, आप ही कह सकते हैं सर, वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा सर। कल मैं खुद से सिलसिला दर सिलसिला मिलता रहा, वाह, आलमे तन्हाई जैसे दश्ते दश्ते तन्हाई, के बाद। हाँ हाँ अर्ज किया है कि है वही सहरा, वाह, ये सब गुजरते हैं, है वही सहरा मगर शादाब कितना हो गया, हाँ 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 है वही सहरा मगर मगर शादाब, शादाब कितना हो गया, रहनवरदाने जुनू की आबला पाई के बाद। हाँ 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 वाह 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 सर क्या कहने, वही सहरा मगर शादाब कितना हो गया, रहनवरदाने जुनू की आबला पाई के बाद। और अब ये शेर मैं सबके लिए, पूरे आपके सामीन के लिए, और पुराने इसमें वो यादें भी शामिल हो जाती हैं, जी अब तो हम छोटे छोटे उसमें अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, तो मैंने ये किया कि दिल में अब पहली सी वो गुंजाइशें बाकी नहीं, वाह, दिल में पहले फराग दिली हो, जी दिल में अब पहली सी वो गुंजाइशें बाकी नहीं, पहले एक दालान आ जाता था अंगनाई के बाद। वाह 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 सर क्या कहने, पहले एक दालान आ जाता था अंगनाई के बाद, वाह, अब हम दालान और अंगनाई ये सब तलाश करते रहेंगे, अब कहाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, असल में वक्त की क़लत, इतने खूबसूरत आपके अशार हम सुन रहे थे, जश्नगी बाकी है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ का एक फॉर्मेट होता है, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे सर, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा, आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी फिर इसी तरह मुलाकात होगी, किसी और अच्छे शायर को हम लेकर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।